को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे दिल से ज्यादा प्यारा हिंदुस्तान को नई जिंदगी दिया है। हम जिंदगी भर उनका आभारी रहेंगे, उनके शुक्रगुजार रहेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने सांस का एक एक कीमत चुकाने को तैयार रहेंगे। हमारा देश जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा वतन है, मजहबी इस्लाम के मानने वाले हम मुसलमान हिंदुस्तान को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, इसलिए कि हमारा मजहब का दस्तूर है, हमारा मजहब का आईन और कानून है। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल की उम्र में अपने वतन की हिफाजत का पैगाम पूरी दुनिया वालों को दिया है। जब मक्का में आक्रमण हुआ, मक्का पर हमला हुआ, तो मुखालिफ कौमों पर सबसे पहले जो पत्थर मारा, जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा है छोटी सी उम्र में, और ये दुनिया को पैगाम दिया कि अपने वतन की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा अजीज रखना है, और वतन की हिफाजत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हिंदुस्तान से, अपने वतन से, अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। आज हमारे देश में जो बॉर्डर पे, जो कश्मीर में हमारे भाई मारे गए, हमारे आर्मी लोग मारे गए, शहीद ही शहीद किए गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और हम सख्त निंदा करते हैं और नहायत अफसोस करते हैं कि हमारे नौजवान सरहद पे मारे गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वतन की हिफाजत का जज्बा अता फरमाए, और बॉर्डर एरिया पे जो भी हमारी फौज है, जो भी हमारी आर्मी है, अल्लाह उन सब की हिफाजत अता फरमाए और दुश्मनों का मुंह काला अता फरमाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।